अगर आपको पता ना होता कि मेडिटेशन में टाइमलेसनेस जैसी कोई चीज़ होती है तो ये आपके साथ नहीं होता। आप मेडिटेटर तो है ना, जो कभी मेडिटेशन कर रही है कभी नहीं कर रही है, एंड मेडिटेटर्स आर सपोज्ड टू एक्सपीरियंस टाइमलेसनेस, सो यू आर एक्सपीरियंसिंग टाइमलेसनेस, बट यू वॉन्ट एक्सपीरियंस टाइमलेसनेस व्हेन इट वुड कॉस्ट यू अ लॉट। जैसे कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको पर मिनट के हिसाब से चार्ज करते हो कि जितने मिनट की सर्विसेज लोगे या जितने मिनट इस जगह पर बिताओगे उसी के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, लेट्स से 1000 रुपीज़ पर मिनट। आपके साथ ये नहीं हुआ कि आप उस जगह पे 2 घंटे बैठे रह गए क्योंकि आपको लगा 5 ही मिनट बीते हैं, और फिर 2 घंटे बाद आपका जब बिल आया तो कितने का आया? लाखों का। वो आपके साथ होगा ही नहीं। ये टाइमलेसनेस भी वहीं अनुभव होगी जहां कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि ये मन की कोशिश है अपने आप को ये बताने की कि तरक्की हो रही है। हम जो कुछ भी करते हैं परिणाम के लिए करते हैं ना, हम ऐसे ही लोग हैं जो करते हैं परिणाम के लिए करते हैं। तो जो ये तथाकथित मेडिटेशन है इसमें भी हमको परिणाम चाहिए, जो इसका वास्तविक परिणाम है वो हमको मिलता नहीं या बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि जो हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं वही गड़बड़ होता है। तो फिर हम इसके अन्य तरीके के परिणाम अनुभव करने की चेष्टा करते हैं। ये हम अधिकतर सबकॉन्शियसली करते हैं, भाई इतने दिनों से इतने घंटे अगर मैंने किसी प्रक्रिया में लगाए तो मैं अपने आप को क्या बताऊं कि इतने घंटों के एवज में मुझे क्या मिला। आप तो फिर भी युवा हैं, उनकी सोचिए जो 70 साल के हो गए हो, 70 साल के हैं, रोज 2 घंटे वो पूजा करते थे, सोचिए उन्होंने कितना समय लगा दिया पूजा में। तो 71वें साल में उनके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि वो कहें कि उनको साक्षात सगुण ब्रह्म के दर्शन हुआ करते हैं, नहीं तो क्या मुंह दिखाएंगे अपने आप को कि 70 साल तक क्या करा, झकमारी। 70 साल तक रोज 2 घंटे ये करते थे और ये करते थे, कुछ मिला? जो असली चीज मिलनी चाहिए थी वो तो मिली भी नहीं है। असली चीज क्या होती है? सत्य, बोध मिला हो, प्रकाश मिला, वो तो मिला नहीं है। तो फिर वो अपने आप को ये जताना शुरू कर देते हैं कि मुझे कुछ और मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है। ये ऑटो सजेशन है, ये और कुछ नहीं है। टाइमलेसनेस का कोई अनुभव होता ही नहीं है, हो कैसे गया? ये एक असंभावना है, ये हो ही नहीं सकता। टाइमलेसनेस का अनुभव ऐसा ही है कि जैसे आप इंजीनियर हैं तो बोल रहा हूं कि -1 का स्क्वायर रूट निकाल दें और कहें ये रहा नेचुरल नंबर में मैंने अभिव्यक्त कर दिया, i=2.748। कर सकती हैं क्या? जैसे -1 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता कोई नेचुरल नंबर, वैसे ही टाइमलेसनेस का, कालहीनता का या समयातीत जाने का कोई अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि वो समय में घटने वाली घटना ही नहीं है। अनुभव हमेशा उसका होता है जो समय में घटा हो। समय के अतिरिक्त किसी को क्या अनुभव हुआ आज तक? कुछ नहीं। तो समय के पार का अनुभव कैसे हो गया भाई? एक सज्जन आए, बोले ध्यान में बैठता हूं, अनंत आनंद बरसता है। तो मैंने पूछा कब बैठते हो? बोले सुबह 6 से 7 बजे अनंत आनंद बरसता है। बोले बेहोश हो जाते हैं बिल्कुल,
खो जाते हैं, लय हो जाते हैं। जितने आध्यात्मिक शब्द होते हैं सब बता दिए। मैंने कहा इतना कुछ हो जाता है तो 7 बजे उठ काहे को जाते हो, और जब खो ही जाते हो तो 7 बजे उठने के लिए शेष कौन रहता है, उसे 7 बजे उठना याद कैसे रहता है। बोले नहीं, ध्यान का तो 1 ही घंटा होना चाहिए, उसमें अनंत आनंद उतरता है। बढ़िया, ठीक 7 बजे आनंद को झाड़ पोंछ के खड़े भी हो जाते हो कि बहुत हो गया आनंद, अब दुख की तरफ बढ़े। खेद की बात यह है कि जो आप कह रही हैं इस तरह की बातें बहुत सारे तथाकथित योगियों ने, गुरुओं ने, लेखकों ने भी पुस्तकों में दर्ज कर दी हैं, और वो पुस्तकें आजकल जो इसमें ब्रेन वेव, गामा वेव, थीटा वेव वो आती है, इस फ्रीक्वेंसी में आप मेडिटेशन में आ जाते हो, तो वो सब पढ़ लिया अगर तो भीतर और हीन भावना आ जाती है। क्या इतना कुछ होता है ध्यान में बैठने से, और हम ही चूक गए, पूरी दुनियाबाजी मार ले गई, सबको सब कुछ हो रहा है, अल्फा बीटा गामा, हमें कुछ नहीं हो रहा है। बताओ हद है, दुनिया कितनी आगे निकल गई। ये बगल के मंगूलाल को देखो, पिछले हफ्ते मेडिटेशन शुरू करा था और थीटा में पहुंच गया। हम लगे हैं 3 साल से हमारा कुछ नहीं हो रहा, हम डेल्टा में जाएंगे सीधे, बता रहे हैं आज, और सब हो जाएगा, चिंता मत करो। मजाल किसी की कि कोई तुमसे बोल दे कि ये हुआ नहीं है, तुम गढ़ रहे हो, तुम उससे कहोगे ये नास्तिक हम पर संदेह करता है, कुंभी पाक नरक में मरेगा। किन चक्करों में पड़ रहे हो? सत्य होता है अकाल, वो कोई दिन में बीच बीच में खुसुर पुसुर आ जाने वाली चीज नहीं होती, वो कोई ऐसी चीज नहीं होती कि बाकी दिनचर्या सामान्य ही चल रही है और बीच बीच में कुछ विलक्षण अद्भुत पारलौकिक अनुभव होने शुरू हो गए कि बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है, 8 घंटे की शिफ्ट बिल्कुल वैसे ही चल रही है, बस बीच बीच में पार की झलक मिल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब मन झूठ से विरक्त होता है, जब मन सत्य में उतरने लगता है, तो पूरा जीवन ही बदलता है। जीवन का एक कोना नहीं बदलता कि एक कोने में 5 मिनट को रोशनी आ जाती है बस, नहीं ऐसा नहीं होता। वो ऐसा होता है जैसे पानी में शक्कर घोल दी गई, मिठास कहाँ आएगी, जहां चखोगे वहां आएगी, सब कुछ बदल जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि आप आध्यात्मिक हो गए हैं लेकिन आपकी दुकान वैसे ही चल रही है जैसे चला करती थी, दुकान बदलेगी, खाना पीना बदलेगा, बोल व्यवहार बदलेगा, पसंद बदलेगी, नापसंद बदलेगी, संबंध बदलेंगे, जहां चखोगे वहां कुछ मिठास मिलेगी। जीवन को प्रतिपल सच्चाई के साथ जीना, ये है मेडिटेशन, ये है ध्यान। दिन के घंटे भर की जाने वाली किसी क्रिया प्रक्रिया का नाम ध्यान नहीं होता। प्रतिपल सत्य निष्ठा का नाम है ध्यान। नहीं, ये वृत्ति क्षीण होने से नहीं आएंगे प्रभाव, जब वृत्ति उद्घाटित होगी तब आएंगे। अपनी
बहुत सारी उग्रताओं को हमने दबा छुपा रखा होता है। भीतर आग दहक रही है और हमने उसको ढांप के रखा हुआ है। अध्यात्म का मतलब होता है सच्चाई से रूबरू होना। तो मन में क्या कचरा छुपा रखा है, कितनी हिंसा, बैर, संदेह, डर, वो सब भी खुल करके सामने आ जाता है जब आप कहते हो कि मुझे सच्चा जीवन जीना है। जो खुल के सामने आएगा तो अभिव्यक्त भी होगा। अभिव्यक्त पहले भी हो रहा था पर हौले हौले हो रहा था, छुप छुप के हो रहा था, अब वो खुलेआम अभिव्यक्त होगा। पर उसकी खुली अभिव्यक्ति भी सुधार का, रेचन का एक तरीका ही है। कम से कम अब आपको चैतन्य रूप से ये पता तो चला कि आपके भीतर क्या क्या छुपा हुआ था। नहीं तो भीतर जो कुछ मौजूद था वो था भी और छुपा भी था। अब आप अपने आंतरिक यथार्थ से परिचित तो हुए, अब जान लिया है तो कुछ उपाय भी करोगे। बीमारी का पता चल गया है तो कुछ दवा भी करोगे। पर इसका भी बहुत लोग बड़ा दुरुपयोग करते हैं। कहते हैं कि अध्यात्म में प्रवेश का मतलब ही है कि अब उछल कूद दिखाएंगे, जबरदस्ती उछल कूद दिखाएंगे। कह रहे फलाना ग्रंथ पढ़ा है, अब कुछ तो अजीब करना है। बहुत देख चुका हूं। एक लड़का था, उसने कहीं से मेरा सत्र सुन लिया, उसके हाथ अष्टावक्र गीता लग गई। तो नए साल की सुबह 31 दिसंबर की आधी रात के बाद वो नंगा जाके एक पार्क में लेट गया। बोल रहा शरीर तो मैं हुई नहीं। इधर उसके माँ बाप के फोन आ रहे हैं, लड़का गायब है, कपड़े मिले। तो मैंने कहा कपड़े बदल गया होगा, दूसरे पहन गया होगा। बोले बात गंभीर है, कच्चा भी छोड़ गया है। यहां लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने 5-7 लोग रवाना किए गाड़ी ओड़ी लेके कि भाई ढूंढो कहां मिला जाए। याद है फिर मालिक एक पार्क में पाए गए, नग्न पड़े थे, कह रहे थे समाधि का अनुभव हो रहा है। ये हम वसूला करते हैं। अष्टावक्र हमें भाते तो है नहीं, तो उनकी गीता पढ़ना हमारे लिए एक बड़ी यंत्रणा होती है, टॉर्चर। तो हम कहते हैं इतना टॉर्चर झेला है तो वसूलेंगे। हम कोई प्रेम पूर्वक तो अष्टावक्र के पास जाते नहीं है। मिनट मिनट जो हम उनके साथ बिताते हैं वो हमें भारी पड़ता है। तो हम कहते हैं ये 100 श्लोक पढ़ने में जो 8 घंटे लगे हैं, पल पल का हिसाब लूंगा। तो फिर हमें समाधि चढ़ती है। 19वां अध्याय, 18वां अध्याय पढ़ा है, सीधे श्लोकों का शतक लगाया है, आज तो होगा। और सम्मान भी बहुत मिलता है। तुम यूं ही कोई इधर उधर की बात करो, कोई तुम्हें दो धेले का भाव ना दे, पर तुम बोल दो मुझे समाधि चढ़ी है,
भरोसा नहीं, प्रेस और मीडिया भी आ जाए, यही है वो। इन सब शोर शराबों का, इस उछल कूद का नाम नहीं है अध्यात्म। अध्यात्म असली और खरी चीज है, वो अपनी दुर्बलताओं का निवारण है। मलिनताओं का प्रक्षालन है। वो असली घटना है, वो शोर मचा के नहीं घटती, वो धीरे धीरे घटती है, निरंतर घटती है, पर उसका घटना ऐसा होता है कि जैसे पत्थर पे लकीर खींचती जा रही हो, अमिट, अपरिवर्तनीय, इर्रिवर्सिबल। ऐसा नहीं कि आज तो अध्यात्म का फितूर चढ़ा है और कल उतर गया, कल कुछ और कर रहे हैं। हॉबी ऑफ द डे स्पिरिचुअलिटी, ऐसे नहीं होता अध्यात्म। वो तो एक गहरी प्रेम कहानी होती है, एक बार प्यार में पड़ गए तो पड़ गए, उम्र भर का प्यार है वो, जिंदगी भर का इश्क। जिंदगी भर का इश्क है तो कितना शोर मचाओगे, जिंदगी भर शोर ही मचाओगे, थक जाओगे, इसीलिए वो शोर नहीं मचाता। वो बड़ा संयत, शांत, कभी कभी तो मौन होता है। जिनकी दो दिन की मोहब्बत होती है बहुत पटाखे फोड़ते हैं, पहले दिन पटाखे फोड़ते हैं आई लव यू के, दूसरे दिन पटाखे फोड़ते हैं ब्रेकअप के। अध्यात्म गहरी और सच्ची आशिकी है, परम प्रेम है। चलिए, जो सब विधियां अपनाई जाती हैं फिर ये सही नहीं है? सब विधियां उपयुक्त होती हैं किसी व्यक्ति विशेष पर, मन की किसी अवस्था विशेष पर, और मात्र कुछ काल के लिए उनकी उपयोगिता होती है। विधियां होती ही इसीलिए हैं ताकि शीघ्रता से विधि खत्म हो जाए और जीवन निर्विधि निर्बाध आगे बढ़े। तो विधियां पूरी तरह अनुपयोगी हैं मैं नहीं कह रहा, विधियों की उपयोगिता है, पर पहली बात, सबको उनके मन, उनके चित्त, उनकी वृत्ति और प्रकृति के अनुसार विधि मिलनी चाहिए। एक ही विधि सब पर कामयाब नहीं हो सकती। और दूसरी बात, कोई भी विधि ऐसी ना हो जो चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। विधि होती है ताकि तुमको उस प्रियतम की झलक मिले, तुम प्रेम में पड़ जाओ। विधि का काम इतना ही था कि झरोखा खुला, दर्शन हुए, प्रेम जगा। अब विधि मध्यस्थ थी प्रेम को जगाने में, प्रेम जग गया, अब मध्यस्थ की कोई जरूरत है? दो प्रेमियों के बीच किसी बिचौलिए की जरूरत होती है क्या? तो एक बार प्रेम जागृत हुआ नहीं कि विधि को खत्म हो जाना चाहिए। विधि अगर चलती ही जा रही है तो इसका मतलब तुमने विधि को ही प्रियतम का विकल्प बना लिया है, ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। विधि इसलिए थी ताकि तुम्हें प्रियवर से मिलवा सके, और तुमने विधि को ही विकल्प बना लिया प्रियवर का, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई ना। तो विधियों की उपयोगिता होती है,
पर उपयोगिता से ज्यादा खतरे होते हैं। विधि अगर सफल रही है तो स्वयं ही हट जाएगी। कोई विधि अगर तुम्हें रोज रोज अपनानी पड़ रही है तो इसका मतलब या तो विधि तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है या फिर तुम उस विधि को सफल होने देना चाहते ही नहीं। वो तुम्हें नहीं बताएंगे छोड़ देना है। दो बातें समझना, अगर विधि सच्ची है तो अपने आप छूट जाएगी। पहले ही तुम्हें बता दिया कि अमुक दिन इसको छोड़ देना है तो तुम उस विधि के प्रति समर्पित ही नहीं हो पाओगे। अगर विधि वास्तव में सफल रही है तो अपने आप छूटेगी, गुरु तुम्हें पहले से आगाह नहीं करेंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि गुरुदेव स्वयं ही कुछ बातों को समझते ना हो तो उन्होंने तुम्हें जीवन भर के लिए ही विधि दे दी है, ये भी हो सकता है। जीवन भर के लिए एक ही विधि है, स्वयं जीवन। उसके अलावा कोई विधि नहीं है जो जीवन पर्यंत चलेगी।